नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। आज सदर अस्पताल गढ़वा में 1200 छात्राओं ने हाथों में तख्ती लेकर स्वच्छता ही सेवा है कार्यक्रम में चलाया साफ सफाई अभियान। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस मिशन की जिसमें गढ़वा उपायुक्त के द्वारा 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक का निरंतर चलने वाला कार्यक्रम स्वच्छता ही सेवा है। इस कार्यक्रम को मंजिल तक पहुंचाने यानी कि जन जन तक पहुंचाने वाले स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर शौकत खान ने आज दिनांक 19/9/2018 को सदर अस्पताल के सीएस डॉक्टर एन के रजक, सिटी मैनेजर नजीबुल्ला अंसारी, बालिका उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक रियाज खान ने खुद अपने हाथों में झाड़ू लेकर साफ सफाई की शुरुआत की। साथ ही 1200 छात्राओं को लेकर सदर अस्पताल गढ़वा में साफ सफाई की, वहीं एक छात्रा के द्वारा स्वच्छता पर एक गीत भी प्रस्तुत किया गया। हमारा देश है भारत, उसे तुम स्वच्छ रखना। तो हमारा देश है भारत, उसे तुम स्वच्छ रखना। तो ये दुनिया है हमारा, तो इसे हम स्वच्छ रखते हैं। ये दुनिया है हमारा, तो इसे हम स्वच्छ रखते हैं। हमारा स्कूल है प्यारा, इसे हम स्वच्छ रखते हैं। हमारा स्कूल है प्यारा, इसे हम स्वच्छ रखते हैं। गांधी जी का है कहना, इसे तुम स्वच्छ रखना ही। गांधी जी का है कहना, इसे तुम स्वच्छ रखना ही। ये तुम सबका है प्यारा देश, इसे तुम स्वच्छ रखना ही। हमारा देश है भारत, इसे हम स्वच्छ रखते हैं। हमारा देश है भारत, इसे हम स्वच्छ रखते हैं। हमारा सर का है कहना, इसे तुम स्वच्छ रखना। तो हमारा सर का है कहना, इसे तुम स्वच्छ रखना। तो नरेंद्र मोदी जी का कहना, इसे सब स्वच्छ रखना। तो नरेंद्र मोदी जी का कहना, इसे तुम स्वच्छ रखना। तो हमारा देश है प्यारा, हमारा देश है भारत, इसे तुम स्वच्छ रखना। तो हमारा देश है प्यारा, तो इसे तुम स्वच्छ रखना। तो बालिका उच्च विद्यालय के छात्राओं ने अपने विद्यालय कैंपस से लेकर सदर अस्पताल गढ़वा तक स्वच्छता के प्रति जागरूक करने हेतु हाथों में तख्ती लेकर कतारबद्ध तरीके से रैली भी निकाली। गढ़वा सदर अस्पताल को साफ सफाई रखने को लेकर सीएस साहब डॉक्टर एन के रजक को शौकत खान ने बूके देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर सीएस एन के रजक ने गीतांश टीवी को बताया कि भारत सरकार के स्वच्छता पखवाड़ा में जो 15 तारीख से चालू है, 2 अक्टूबर तक चलेगा। आज अस्पताल में हमारे लड़की हाई स्कूल के जितनी भी बच्चियां हैं और उनके शिक्षक हैं, प्रिंसिपल हैं रियाज जी, और हमारे ब्रांड एम्बेसडर शौकत जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर स्वास्थ्य का भी है, MR का। हम सबों ने मिलकर करके आज अस्पताल की सफाई में योगदान किए। बहुत बहुत इन लोगों को धन्यवाद, और आगे इस तरह से। वहीं सीएस एन के रजक की प्रशंसा करते हुए शौकत खान ने भी गीतांश टीवी को बताया कि आज स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम जो 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चल रहा है, हम स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आज हमने कलसा स्कूल के प्रिंसिपल सर से मिलकर के सारे बच्चियों की एक टीम लेकर के आज सदर अस्पताल की सफाई के लिए हम निकले हैं, और आज सदर अस्पताल की सफाई हम लोग हजारों बच्चियों के साथ, यहाँ के प्रबंधक, सदर अस्पताल के प्रबंधक और हमारी नगर परिषद की टीम मिलकर के सफाई अभियान कर रहे हैं।
हालांकि हमारा सदर अस्पताल पहले से भी साफ सुथरा और स्वच्छ है, उसके लिए हमारी बच्चियों ने और हमने सिविल सर्जन महोदय को हम लोगों ने बुके देकर सम्मानित भी किया, क्योंकि ऑलरेडी हमारा कैंपस साफ सुथरा है यहाँ, और उसी कड़ी में आज हम लोग बाकी जो कचरा कहीं दिख रहा है हम लोग उसकी सफाई कर रहे हैं और बच्चियों के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये सारे गढ़वा वासियों कदम से कदम मिला करके हम लोग के साथ आए और मिल करके एक सुंदर स्वच्छ और स्वस्थ गढ़वा बना। वहीं बालिका उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक रियाज खान ने भी गीतांश टीवी को बताया कि के सिलसिले में ब्रांड एम्बेसडर जनाब शौकत खान साहब के कहने के बाद मैंने ये फैसला किया कि आज जो है हॉस्पिटल परिसर की सफाई अपने बच्चियों के साथ अपने स्टाफ के साथ मिलकर करें, और उस काम को हम लोग अंजाम दे रहे हैं। हॉस्पिटल विभाग के बिलखसूस जो है हमारे CMO साहब ने हमारी काफ़ी हम लोगों को सहयोग किया, इसलिए वो बधाई के पात्र हैं। उनको हमने बुके दे करके सम्मानित किया और लगभग अपने विद्यालय की 1200 छात्राओं के साथ 1200 छात्राओं के साथ वो हॉस्पिटल परिसर की हर मुमकिन सफाई करने की कोशिश की, और हम इस काम को आगे भी जो है सरकार का जो आदेश होगा उसको हम इसी तरह से निभाते रहेंगे और इस काम को अंजाम देते रहेंगे। तो मैं इस काम के लिए जनाब शौकत खान साहब को और CMO साहब डॉक्टर रजक साहब को और साथ साथ मीडिया कर्मी को और तमाम छात्राओं को, अपने विद्यालय के जो शिक्षक बंधु हैं और हमारी बहनें हैं और या फिर गणमान्य लोग जो हॉस्पिटल में हम लोगों की जो सराहना की है, उन तमाम लोगों को मैं आज जो है स्वच्छता के सिलसिले में जिन लोगों ने सराहना की, मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, थैंक्स कहता हूँ, और इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। रियाज अहमद, प्राचार्य बालिका उच्च विद्यालय, गढ़वा। शौकत खान ने बालिका उच्च विद्यालय के कैंपस को भी साफ सफाई रखने एवं इस जागरूकता अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले रियाज खान को भी बूके भेंट कर सम्मानित किया। इसके बाद शौकत खान ने सैकड़ों छात्राओं को हाथ धुलाकर इस कार्यक्रम को संपन्न किया। मौके पर हजारों छात्राएं, शिक्षक, शिक्षिका सहित कई अन्य लोग भी उपस्थित थे। धन्यवाद।